नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। हाथ से निकला पूर्णिया, अब पप्पू यादव के पास केवल दो विकल्प, लालू के आगे कांग्रेस हुई लाचार। हमारी होली आज, मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय की पत्नी की पहली प्रतिक्रिया, 9 डॉक्टरों की टीम ने आईसीयू में उसका इलाज शुरू किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि मुख्तार की मौत पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाए सवाल। माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई है। मुख्तार की मौत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। भोजशाला से बाहर आई एएसआई की सर्वे टीम, जुमे की नमाज के लिए रोका गया सर्वे, पुलिस बल तैनात, अफसर भी कर रहे निगरानी। मुरैना के चक्कर में अटका ग्वालियर का उम्मीदवार, 3 सीटों पर तय नहीं हो पाए कांग्रेस के कैंडिडेट, खंडवा में पिक्चर क्लियर नहीं। लालू की बात काटकर कांग्रेस में जाकर फंस गए पप्पू यादव, पूर्णिया से आरजेडी की बीमा भारती ही लड़ेंगी। बिहार गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान, आरजेडी 26, कांग्रेस 9, वाम दल 5। बिहार महागठबंधन की सीटों का आखिरकार आज ऐलान हो गया है। बिहार की 40 सीटों में आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण में जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट रेस में नहीं, शाम तक प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। एकनाथ शिंदे ने जारी की शिवसेना के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट, कोल्हापुर में संजय और शाहू महाराज के बीच टक्कर। सीएम शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए गोविंदा, कहा 14 साल वनवास के बाद फिर हुई वापसी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।